नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.5 इसका प्रश्न नंबर 9 आज हम कर रहे हैं। यह है 3 × 5z − 7 − 2 × 9z − 11 = 4 × 8z − 13 − 17। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, उसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए, ये 3 जो है ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। ये 2 ब्रैकेट से गुना हो रहा है, इसका मतलब ये इससे भी गुना होगा और इससे भी होगा। ये 4 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। आइए देखते हैं, 3 जब 5z से गुना होगा तो ये बन जाएगा 3 × 5 = 15z, माइनस का निशान है तो माइनस। 3 जब 7 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 3 × 7 = 21। उसके बाद -2 है, यहाँ है 9z। अब ये -2 इससे भी गुना होना है और इससे भी गुना होना है। तो -2 जब 9 से गुना होगा तो 2 × 9 = 18, साथ में साइन −×+−। आगे देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, −×- हो जाएगा प्लस, 2 × 11 हो जाएगा 22 बराबर। आगे 4 8z से भी गुना होना है और 13 से भी गुना होना है, तो 4 × 8z होगा 32z माइनस। जब आप ऐसे लिखोगे ना 32 और z, तो 2 और z, कई बच्चे ना ये 2 डालते हैं और यही z डालते हैं, तो ये एक जैसा लगता है, तो इसलिए कोशिश करना 2 को ऐसे गोल वाला बनाने की। ठीक है बच्चों, तो 8 × 32z माइनस 4 × 13, 13 × 4 होता है 52, आगे है −17। अब हमारे पास एक सीधी सी लाइन आ गई है, हमने करना बड़ा सिंपल सा काम, क्या z वाली सारी रकमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ले आओ, बिना z वाली सारी रकमें उधर ले आओ, फिर इनको हल करते हैं। तो z वाली देखिए, एक रकम ये है z वाली, एक हमने गलती कर दी, 2 × 9z 18z था, ये z है इसके साथ। z वाली एक रकम ये है, एक रकम ये है z वाली और एक रकम ये है z वाली, तो इन तीनों को उधर रखेंगे हम, ये बराबर का निशान है। 15z तो लेफ्ट साइड पे पहले से ही है, −18z भी लेफ्ट साइड पे पहले से ही है, 32z अभी राइट साइड पर है इक्वल टू के। जब ये उधर जाएगा, इसके साथ अभी कोई निशान नहीं है, यानी ये प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा −32z बराबर। यहाँ पे है −52, −17, −21, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +21, और +22 है, ये भी उधर जाएगा तो हो जाएगा −22। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। 15z −18z −32z, 15 में से 18 निकाले, −3, −3 और −32 होता है −35z। इसको ध्यान से समझेगा, पहले इसको भूल जाओ। अब देखो, 15z −18z प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 गए 3z, साथ में बड़ी रकम का साइन माइनस, तो ये आ गया, इसको सॉल्व करके आया −3z। अब इसको छुपा लो, ये रहा −3z −32z, माइनस माइनस प्लस, 32 और 3 = 35, साथ में साइन माइनस का, साथ में z, तो इन तीनों को हल करके आ गया −35z बराबर। इस तरफ देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो इन दोनों को पहले हल कर लीजिए, −22 + 21, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 21 गए 1, 1 जो होगा वो माइनस का होगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस लिखा है, तो −1, −17, −13 और −1 हो गया −18, −18 और −52 हो गया −70। इन सभी को हल करके −70 आ गया। अगले स्टेप में z बराबर −70, −35 इधर z के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इन्हें यदि हो सके तो काट देंगे। देखिए, माइनस है तो माइनस कट गया, मैं 35 × 70 भी काट सकता हूँ, लेकिन 5 के पहाड़े पे पहले काट देते हैं, 7 के पहाड़े पे, 7 × 5 = 35, 7 × 10 = 70, 5 × 2 = 10, इसका मतलब z कितना आ गया है 10, कितना आ गया है z जो है ये इसकी वैल्यू आ गई है 10। यही हमें निकालना था, रैखिक समीकरण को हल करना था, तो ये z में चर थी, तो चर की वैल्यू, z की वैल्यू हमने निकाल दी है 10। यदि आपको कोई भी स्टेप समझ ना आया हो
तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, आपको हर एक स्टेप पर अच्छे से समझना है। कुछ भी नहीं था, z वाली रकम एक तरफ, बिना z वाली एक तरफ रख के हमने सिर्फ उनको हल कर दिया है बस, और इससे हमें z की वैल्यू प्राप्त हो गई है 10। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।